आज हमारा कौन सा आएगा भाई? वार्मी फ्यूगो ग्रुप। वार्मी फ्यूगो ग्रुप। वार्मी फ्यूगो ग्रुप को किसके नाम से जानते हैं हम? वी ई आर वर के नाम से। वार्मी फ्यूगो ग्रुप किसके नाम से जानते हैं? वी ई आर वर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हमारी वार्मी फ्यूगो वन, इसको बोलेंगे वी ई वर। और इसमें हमारा एम ओ लगा दे या नहीं लगाते तो वी आर वर भी कर सकते हो या वरम वन भी कर सकते हो, एम भी लगा सकते हैं वरम वन। अब वरम वन का क्या फंक्शन है? वरमन हमारी आल टाइप्स ऑफ किसके अंदर? वर्म के अंदर, चाहे उसके अंदर रिंगवार्म हो, हुकवार्म हो, जियाडिचिस हो, कोई भी जैसे इसमें एनी टाइप्स हो, उसमें वर्म होगा, उसमें हमारी कौन सी काम करती है? वर्म वन। वर्म वन। अब वर्म वन का वो क्या फंक्शन है? ये हमारे ब्लड को, ब्लड ये थिनर भी है, ब्लड को ये थिन करती है, पतला करती है। और वर्म का और क्या रोल हमारी बॉडी के अंदर? कोई भी जैसे हमारी बॉडी के अंदर फोर रीजन, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी हमें हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा, तो सबसे पहले हमारे वर्म वन क्या करेगी? एक एंटीबायोटिक के रूप में ये वर्क करेगी। कौन सी? हमारी वर्मी फ्यूगो वन। अब ये वर्मी फ्यूगो वन हमने पेशेंट को दी, आप पेशेंट को वर्मी फ्यूगो ने वर्क नहीं किया, तो आप कौन सी दोगे? आप वर्मी फ्यूगो टू। वर्मी फ्यूगो टू यानी कि वी ई आर एम वर्म टू। पहले हम वर्म वन देंगे, फिर हम वर्म टू देंगे। जब वर्म वन काम करना छोड़ देती है तो हम क्या देंगे? वहाँ पर वर्म टू देंगे। इसमें देखो आर टाइप्स, इसमें हमारा फीवर हो गई, चाहे हमारा मलेरिया फीवर हो या टाइफाइड फीवर हो, कोई भी जैसे फीवर होगा सभी बीमारी कौन सी वर्क करेगी? वर्म वन। जब वर्म वन काम नहीं करती तो फिर हम कौन सी देते हैं? वर्म टू देते हैं। वर्म टू ये हमारा कौन सा था? वर्मी फ्यूगो ग्रुप। अब नेक्स्ट आ गया हमारा वेनेरियो, बी ई एन आर आई वी ओ वेनेरियो, इसको वी ई एन वेन के नाम से जाना जाता है, वेनेरियो। आप जैसे वेन वन है, ये हमारी किस पर करते हैं? ये हमारी जेनेटिक्स किस पर वर्क करते हैं? ये जेनेटिक यानी कि हेरिडेटरी, हेरिडेटरी कोई भी डिजीज हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो डिजीज जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? हेरिडेटरी यानी कि जेनेटिक्स उसके अंदर वो चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जैसे अस्थमा है और बच्चे को भी क्या हो गया आगे चल के हेरिडिटी में चेंज आ जाएगा, अस्थमेटिक हो जाएगा। सर शुगर भी है? हाँ शुगर भी है,
तो इसमें क्या हुआ, ये जेनेटिक्स जितनी भी डिजीजे हैं तो सभी क्या होगी इसके अंदर, वो हमारी कौन सी काम करेगी, वेनेरियो वेन वन। दूसरा ये हमारी एस टी डी क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी, जैसे हमारा HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, गनोरिया हो गया, वो भी क्या होती है हमारी ये STD, ये जेनेटिक उसमें हमारी चली जाती है। तो उसके अंदर भी हमारी वेनेरियो काम करेगी वेन वन। और एक इसका है डीप, यानी कि डीप एक्सक्रीशन का, यानी कि बहुत डीप कह रहा है। जब हमारी S6V फेल हो जाए, C6V फेल हो जाए, C17V फेल हो जाए, तो डीप जो एक्सक्रीशन कौन करेगी, हमारी वेनेरियो वेन बहुत ही डीप जाकर उन विद्युतीय पदार्थों को बाहर निकालती है। ये किसका कार्य, हमारा वेनेरियो का, वेन वन का। अब वेन वन हमारा किस पे आ गई, जेनेटिक्स पे आ गई। दूसरा STD के ऊपर वर्क करती है। तीसरा हमारा डीप एक्सक्रीशन करती है, यानी कि बहुत गहराई से अंदर से स्पाई करती है, डीप एक्सक्रीशन करती है। अब आगे जी लिम्फेटिकोस, इसको हम L के नाम से जानते हैं, और इसमें एक ही हमारा L1। लिम्फेटिकोस क्या करता है, हमारे लिम्फ का प्यूरिफिकेशन करता है, यानी कि हमारे अंदर जो रस बनता है स्टार्टिंग में, उसकी जो स्पाई करता है वो कौन करता है, हमारा L1। अब L1 और क्या करता है, हमारे लिम्फेटिक जो पूरा पूरा जो सिस्टम है उसको क्या करता है, ये ठीक करता है। और ऑल टाइप्स ऑफ लिम्फ डिजीज के ऊपर हमारी कौन सी वर्क करेगी, L1। लिम्फ प्यूरिफिकेशन, जिनका प्यूरिफिकेशन करना, लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड हो जाते हैं बॉडी में हमारे पूरा, एक देखो एक तो हमारा सर्कुलेटरी में ब्लड का ड्रेन हो रहा है, दूसरा हमारा इसमें लिम्फ का रस का ड्रेन होता है। लिम्फेटिक जैसे सिस्टम आएगा थप्पड़ हो गए, तो हमारा जो है लिम्फ जो है किस पर वर्क करता है, हमारे रस के ऊपर, यानी कि रस का प्यूरिफिकेशन करता है। दूसरा हमारी एंटीबॉडीज को भी ये प्रोड्यूस करता है, कौन कौन सी, हमारी हमारी टी सेल्स और बी सेल्स को भी ये जनरेट करता है, टी सेल्स और बी सेल्स को भी ये बनाता है, कौन सा, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि हमारा लिम्फेटिकोस वन, यानी कि L1 का ये हमारा कार्य है, ये इसका मेन जो है फंक्शन यही है। क्लियर हो गया आप, जैसे आपने कौन कौन सा किया, सैक्रोफ्लोसो ग्रुप हो गया हमारा, कैंसरोसो ग्रुप हो गया हमारा, पेट्रोलोसो ग्रुप हो गया हमारा, वर्मीफ्यूगो ग्रुप हो गया हमारा, वेनेरियो ग्रुप हमारा हो गया, और लिम्फेटिक ग्रुप हमारा हो गया। अब कौन सा रह गया हमारा, फैब्रीफ्यूगो। फैब्रीफ्यूगो ग्रुप
इसको ऐप के नाम से संबोधित है। फैब्रिफ्यूगो जैसे इसके अंदर F1 है और F2 है। F1 का क्या कार्य है? F1 क्या करता है हमारा? ये एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है। एंटीपायरेटिक ऑल टाइप्स ऑफ फीवर के अंदर ये इसका प्रयोग किया जाता है। फैब्रिफ्यूगो इसमें आ गया हमारा, और किस्मा बन किस्मा काम करेगा हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। ये ऑल टाइप्स ऑफ फीवर और क्या कार्य करेगा? नर्वस सिस्टम पे वर्क करेगा, नर्वस सिस्टम पर ये वर्क करेगा। टाइप्स ऑफ फीवर और नर्वस सिस्टम पर ये वर्क करेगा। और फैब्रिफ्यूगो जैसे 1 है, इसको जैसे हम देखा जाए तो ये हमारा लीवर पर भी बहुत अच्छा ये वर्क करता है। लीवर की बहुत अच्छी ये मेडिसिन, क्योंकि हमारा जहाँ से रस अशुद्ध होता है वहीं से क्या हुआ हमारा नर्वस सिस्टम क्या हो गया हमारा डैमेज होना से। अब नर्वस सिस्टम पर जैसे होगी एक्ट होगी तो साथ में हमारी लीवर के ऊपर भी ये फंक्शन करती है। तो ये हमारी F1 का कार्य है। अब F2 का क्या कार्य है? फैब्रिफ्यूगो 2 F2 इसको हम यूजेस ज़्यादातर मोस्टली 90% एक्सटर्नल यूज करते हैं। क्या एक्सटर्नल? यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह करवाते हो नेचुरल यूज करते हैं। ये किसको वर्क करता है? ये हमारे नर्वस सिस्टम। हाँ, हमने इसका एक रिजल्ट देखा, इसका जो D4 है, जैसे कोई भी शिवरिंग के साथ बुखार आता है, कैसी भी शिवरिंग होती है, तो इसका हम D4 दे दो F1 का, तुरंत उसकी शिवरिंग विद इन 2 या 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। ये इसका D4, यानी कि मलेरिया की बहुत अच्छी जो है मेडिसिन है। अब कौन सा रह गया हमारा ग्रुप? क्लोट रह गया। हाँ, कौन सा ग्रुप? तो सारे हो गया। अब ग्रुप हमारे सभी होंगे। कल हम इसमें हमारा कल हमारे क्या होंगे? फ्लूड होंगे। आप ये जो हमने अब तक ग्रुप करवाए हैं ये सभी को याद होने चाहिए बिल्कुल उंगलियों पे, और मेन मेन जो है ये चीज़ें आपको याद हमेशा रहनी चाहिए। आप फ्लूड जैसे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम फ्लूड को ही पढ़ाएंगे। तो फ्लूड के अंदर जैसे हम कौन सा एलिमेंट कौन सा तत्व कब किस समय किसके साथ इसको हम जोड़ते हैं, सिर्फ हम 5 फ्लूटों के ऊपर यदि पूरी प्रैक्टिस करना चाहो तो आप सिर्फ 5 फ्लूटों पर ही पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनकी भी जरूरत नहीं ग्रुपों की। उसको आप डीप जो हम पढ़ाएंगे उसको बिल्कुल डीप गहराई से आपने उसको जानना। अब उसके फ्लूटों में जितना भी गहराई से आप जानोगे उतना ही समझ लेना कि आप इस मेडिसिन एक ओढ़ना वो फ्लूड अकेले एक ओढ़ना है, यानी कि दोनों की हम तुलना करें तो अलग अलग भी। तो हमारे सभी आज ग्रुप जो है हमने इसको क्लियर करवा दिया आपके सभी ग्रुपों को। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारे 5 फ्लूड के ऊपर होगी। यस सर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए सर। जैसे आपने अभी लिम्फैटिक को ग्रुप पढ़ाया है तो ये हमारा बंद कर देता है, तो हमारे मुख की